ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो झारखंड से बाहर के हैं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड स्कूल आज झारखंड में बहुत बड़ा नाम है और ये हर उस नाउमीद बच्चे की उम्मीद बन चुका है जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते थे। हमने लाखों की फीस को 15,000 पर हम लेकर आए और हम 11, 12 जेईई नीट एनडीए पढ़ाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं हैरान हो गया और सोचने पे मजबूर हो गया और मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। पहले ऐसा होता था ना कि हम छोटे शहर से हैं तो हम बड़े शहर पढ़ने जाते थे और बड़ी बड़ी फीस देते थे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ। इस बार बाहरी स्टेट्स के बच्चों ने हम पे बहुत विश्वास दिखाया, ना सिर्फ झारखंड के बच्चों ने बल्कि यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों से बच्चों ने सेकेंड स्कूल में आकर एडमिशन लिया और वो झारखंड आए पढ़ने। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं आप सब बच्चों को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अगर पैसे की कमी की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सेकेंड स्कूल एक ऐसा नाम है जो नाम नहीं है, एक क्रांति है जो रिवोल्यूशन लाने के लिए तैयार है और हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार है। देखिए क्या होता है ना कि हम छोटे जगह पे ना कल्चर की कमी होती है। आप जब आएंगे आप अपना कल्चर लेकर आएंगे, आप अपना माइंडसेट लेकर आएंगे, हम आपसे कुछ सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखेंगे और अल्टीमेटली हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बड़े बड़े शहरों से रिजल्ट इसलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ पे हर तरीके के बच्चे जाते हैं अपना अपना कल्चर लेकर, अपना माइंडसेट लेके। छोटे शहर के बच्चे भी रिजल्ट दे सकते हैं अगर उनको सही कल्चर मिले, और हम सही कल्चर तब ला पाएंगे जब हर तरीके के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आप जेईई नीट इंडिया करना चाहते हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम बड़ी फीस कहाँ से देंगे, लाखों की फीस कहाँ से देंगे, हम बाहर कैसे जाएंगे, बाहर जाके रहने का भी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आता है, आप सेकेंड स्कूल आइए। हम सब मिलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को कि छोटे जगह के बच्चे अगर उनको सही कल्चर मिल जाए, सही मौका मिल जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत ही पवित्र मन के साथ और अच्छी नीयत के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ और मैं सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, बाकी विश्वास करना और पढ़ना आपका काम है। शुक्रिया।